वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो दशा माँ की मूर्ति बन रही है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। दो औरतें जो बना रही है वो भी मेरे मामी हैं और मैं आपको दिखाऊंगा। चलो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को मूर्ति। तो ये देख सकते हो गाइस इधर है दशा माँ की मूर्ति और देख सकते हो मूर्ति को निकाल रहे फरमे से। इसमें गाइस इसमें माटी भरनी होती है इस दोनों फरमे में और इससे दशा माँ की मूर्ति बनती है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से ये मूर्ति बनी है। तो गाइस देख सकते हो ये बन दशा माँ के नाक बना रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। और इनकी आँख सब कुछ ये बना रहे हैं और ऊपर से थोड़ा कटिंग कर रहे हैं। तो इस मूर्ति को ऐसे क्यों काटा जाता है? अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। बहुत ज्यादा आती है तो काट देती है। इसकी प्राइस क्या होगी? 250। ओके ओके, सब देख सकते हैं कुछ एक गोल शेप बना रहे हैं और एक गोल शेप को गाइस इस फरमे में डालेंगे और जो खड्डे हैं देख सकते हो इसमें उस खड्डे के अंदर हमें माटी दबानी है। गाइस आप देख सकते हो बन रहा है गोल शेप को गाइस जो दशा माँ के जो फरमा है उसमें गाइस इस माटी को रखेंगे और जो आप देख सकते हो गोल शेप है उसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। तो आप ये देख सकते हो गड्ढा है जो इसमें दबा रही है माटी और माटी फिर से गुनने चालू चुकी है और ऐसा और गोल शेप बनाएंगे उस फरमे में रखेंगे गाइस। गोल शेप बना रहे हैं और गाइस आपको और भी ऐसे वीडियो देखने हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर देना। जो बहुत मेहनत करते ये मूर्ति बना रहे हैं और गाइस आप इस मूर्ति को जरूर खरीदिए, मेरी ऐसी निवेदन है। गाइस फिर से इसका एड्रेस दिखाता हूँ, नवा बाबर ब्राह्मण बोर्डिंग के पीछे बनासकांठा। अबे देखो गाइस देख सकते हो अभी थोड़ी मूर्ति बन चुकी है और आप कुछ बोलना चाहेंगे आप जब वो चुप बैठिए। मूर्ति को ज्वाइन करना होता है जिससे जो मूर्ति बन जाएगी। और मूर्ति को ज्वाइन होने में कितना टाइम लग सकता है? 15 मिनट। ओके, और जो ज्यादा माटी है उसको निकाल दे रहे हैं।
और गाइस अभी थोड़े मिट्टी ले रही है और इधर लगाएंगे जहाँ थोड़ी जगह रह जाएगी आप देख सकते हैं। और इन लोगों ने कितने मेहनत से देख सकते हो कितने सारे मूर्ति बना दी वो भी सिर्फ दो दिनों में। ये दोनों औरतों के लिए एक लाइक जरूर कर देना मेरे निवेदन है आप लोगों से। इस मूर्ति को दो घर में से निकाल देंगे और हमारी मूर्ति जो होगी कन्या हो चुकी होगी जैसे माटी इस माटी को सूखने देना पड़ता है बाद में ही वरना ज्यादा मूर्ति लग चुका है सॉरी माटी और गाइस अभी ध्यान पूर्वक इसको निकाल रहे हैं देख सकते हैं। तो गाइस जो हमारी थोड़ी गाइस लगता है ढीली है